T20 वर्ल्ड कप 2024 का फीवर ग्लोबली सब पे चढ़ चुका है। टीम इंडिया की बैक टू बैक विंस के बाद 144 करोड़ इंडियंस भी काफी हाई जोश में हैं। अभी रिसेंटली इंडिया वर्सेस यूएसए के बीच हुए क्लैश में सूर्य कुमार यादव ने यूएसए के बॉलर्स को दिया टफ कंपटीशन। सूर्य ने लगाए 50 रन्स ऑफ 49 बॉल्स और भाई यूएसए का तो हाल ही बेहाल हो गया था इस मैच में। और तो और अर्शदीप सिंह भी किसी से कम नहीं है, उन्होंने यूएसए के बैटर्स को अपने जाल में फंसाया और गुरु 4 विकेट चटका के छा गए गुरु। अब टीम इंडिया की जीत ने टीम को सुपर 8 स्टेज में क्वालिफाई कर दिया है, जहां इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया से सामना करेगी। आईसीसी ने सुपर 8 स्टेज के लिए पहले से सीडिंग तय कर दी है और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी 24 जून 2024 के लिए स्केड्यूल हो चुका है। रोहित शर्मा और उनकी टीम A1 के तौर पर सीड की गई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया B2 पर सीड है। अब सवाल उठता है कि इंडिया को सुपर 8 स्टेज में और किन टीम्स का सामना करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड जो C1 सीडिंग पर है, इस टीम के क्वालिफाई होने के चांसेस वैसे बहुत कम हैं क्योंकि ये टीम लगातार 2 मैचेस हारी है। सो प्रोबेबली C1 स्पॉट अफगानिस्तान को मिलेगा। अब उम्मीद ये भी है कि D2 स्लॉट जो श्रीलंका के लिए रखा गया है उस पर बांग्लादेश का कब्जा हो सकता है, कीपिंग इन माइंड कि श्रीलंका 3 में से 2 मैचेस हार चुकी है। मोर ओवर सुपर 8 में 2 ग्रुप्स हैं। ग्रुप 1 में वी हैव A1, B2, C1 एंड D2। वहीं ग्रुप 2 में हमारे पास है A2, B1, C2 एंड D1। अब सीडिंग्स पे नजर डाले तो असर कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। A1 पे इंडिया है हमारे साथ, A2 पे पाकिस्तान, B1 पे इंग्लैंड और B2 पे ऑस्ट्रेलिया। C1 का जो स्पॉट है वो न्यूजीलैंड के पास है, जिसको हटा के अफगानिस्तान ये स्पॉट पा सकता है। C2 पे हमारे साथ है वेस्ट इंडीज, D1 पे साउथ अफ्रीका, अब D2 पे श्रीलंका है, बट चांसेस है कि श्रीलंका को हटा के बांग्लादेश ये स्पॉट पा सकता है। अब अगर कोई भी ऊपर दी गई टीम्स में से किसी भी टीम को नॉकआउट कर दिया जाता है तो उस जगह क्वालिफाई करने वाली टीम उस जगह को ले लेगी। टॉकिंग अबाउट दी प्रोबेबल सुपर 8 टीम्स, इसमें ग्रुप ए में है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, और ग्रुप बी में मैं आपको बता दूं यूएसए एंड पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के चांसेस यहां कम है। फिर आती है वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड, इंग्लैंड के भी बहुत ही कम चांसेस है, यहाँ पे स्कॉटलैंड ये स्पॉट लेके जाएगी, और फिर आती है हमारी साउथ अफ्रीका। अब अगर हम टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने इंडिया वर्सेस यूएसए मैच के बाद एक स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुपर 8 स्टेज में क्वालिफाई होना पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़े सुकून की बात है। अब इंडिया का लास्ट ग्रुप मैच स्केड्यूल्ड है कनाडा के साथ, एंड ये मैच होने वाला है 15 जून 2024 को। वी ऑल विश कि टीम इंडिया ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देके ऐसे ही आगे बढ़ती जाए और T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी इंडिया के नाम करे। What are your thoughts? क्या टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर पाएगी? Tell us in the comments below.